नमस्कार, IDB24 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विराट दुबे। वृंदावन पुलिस ने 50,000 रुपए के इनामी बदमाश उमेश पाठक को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लगी है। पकड़े गए इनामी बदमाश पर 13 जून को वृंदावन के निम्बार्क पीठ के महंत बाल मुकुंद की हत्या का आरोप है। पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान महंत की डस्टर कार, बंदूक और अवैध तमंचा बरामद किया है। आपको बता दें, वृंदावन के निबार्क पीठ के महंत बाल मुकुंद की हत्या का मामला शासन तक गूंजा था। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने खुद पुलिस अधिकारियों को बुलाकर इस मामले को तत्काल वर्कआउट करने का आदेश दिया था। पुलिस की प्रयास के बाद भी मेहना का कोई पता नहीं चल पा रहा था। महंत की तलाश के लिए साधु संत लगातार पुलिस पर दबाव बना रहे थे और प्रदर्शन पर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी भी दे रहे थे। घटना के खुलासे के लिए SSP ने 3 टीमों का गठन किया था और 13 जून को मांड इलाके में अधजले शव को साधु की घटना से जोड़कर देखा। वह शव महंत बाल मुकुंद निकला, जिसकी शिनाख्त उसके परिजनों ने की थी। पुलिस ने सर्विलांस के जरिए पूरी घटना पर काम किया और ड्राइवर उमेश पाठक के दोस्त जितेंद्र को 7 जुलाई को पानी घाट इलाके से गिरफ्तार कर लिया था। मथुरा से अमित गोस्वामी की रिपोर्ट। ये SR केसेस के जो हमारे वांछित है, इसका एक अभियान चल रहा था, जो हत्या डकैती गैंगस्टर के अपराधी, इसी अभियान के तहत आज जो है एक उमेश पाठक करके एक इनामी है, जिसके ऊपर 50,000 रुपए का इनाम है और विगत महीने एक हत्या की गई, जिसके अंदर एक महंत थे उनकी हत्या की गई थी। 3 लोग उसके अंदर गिरफ्तार हुए थे और कंट्रोल उनके ऊपर डाला गया था और माठ थाना क्षेत्र में इसमें FIR पंजीकृत हुई थी। 3 अभियुक्त इसके अंदर जेल में गए थे। आज इस अभियान के दौरान जब सूचना मिली, पुलिस यहाँ पर गई है तो इनके द्वारा पुलिस के ऊपर फायरिंग की गई, आत्मरक्षा पुलिस द्वारा फायरिंग की गई, जिसमें मुठभेड़ में इनको गोली लगी, इनको पाँव में गोली लगी, इनको इलाज के लिए थाना सदर अस्पताल लेके आए, बाकी अग्रिमिक कार्रवाई इसमें। सर, क्या क्या बरामद किया गया इनके? अभी जैसे इनके पास जो एक तो अवैध कट्टा बरामद हुआ है, बाकी चीज इनसे अभी वहाँ पर टीम पहुँची है तो और पूछताछ की जा रही है क्या क्या चीजें हैं और उसमें आपको और अपडेट किया जाए। तो रोचक और लेटेस्ट खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ IDP24 न्यूज़ पर। और हाँ, हमें YouTube पे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।